नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। चीन की वायुसेना ने संभवतः आकाश से आकाश में 400 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जो युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर रहने वाले एरियल रिफ्यूलिंग विमान जैसे अहम लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है। एक अखबार के मुताबिक चीनी वायुसेना ने ऑनलाइन एक तस्वीर जारी की है जिसके बाद ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि सेना युद्धाभ्यास में आकाश से आकाश में मार करने वाली और दृश्य सीमा से परे वाली किसी मिसाइल का परीक्षण कर रही है। ये तस्वीर चीन की जन मुक्ति सेना की वेबसाइट पर डाली गई है। आपको बता दें कि इसमें नवंबर में उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के ऊपर हवाई युद्ध अभ्यास रेड सॉर्ड 2016 के दौरान दोहरी इंजन वाले एक J-11B जेट को बड़ी मिसाइल ले जाते दिखाया गया है। इस मिसाइल की लंबाई 22 मीटर लंबे विमान की 1/4 है। वायुसेना ने कहा था कि इस युद्धाभ्यास में तकरीबन 100 विमानों और वायु रक्षा एवं इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों ने हिस्सा लिया था। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चीन की वायुसेना ने आकाश से आकाश में 400 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और राजनीति की अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।